गुड आफ्टरनून गाइस, आज है फ्राइडे और आफ्टरनून. अभी मेरा लंच वगैरह बन के रेडी है. हमने लंच नहीं किया है. राइट नाउ इट्स 1:30 शायद. और मैंने सुबह कुछ कपड़े धोए थे जो कि वॉशिंग मशीन में है, तो उसको सबसे पहले मैं सूखने दे दूँगी. और चीकू फ़िलहाल नहा रही है, रंजन उसे नहला रहे हैं, वो उसको रेडी करना है. उसके बाद डुगु नहाएगा. तो ये सब कुछ हमारा चल रहा है. एंड आई एम जस्ट मिसिंग मॉल, यू नो. मुझे मॉल जाने का मन कर रहा है यार. मैं बहुत मिस कर रही हूँ अब, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैंने शॉपिंग नहीं की. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि डेट फाइव से मॉल्स खुलने वाली है. सो लेट्स सी अगर हम लोग जा पाते, बिकॉज वीकेंड पे यहाँ पे कर्फ्यू है, तो वीकेंड हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं है. एंड वीकडेज में रंजन इन दिनों काफ़ी बिजी रह रहे हैं, तो देखते हैं. अगर वीकडे में पॉसिबल हुआ तो किसी दिन जाएंगे, अदरवाइज़ वीकेंड कर्फ्यू हटने तक तो वील हैव टू वेट. लेट्स सी क्या होता है. बट जस्ट मिसिंग मॉल एंड बहुत सारी शॉपिंग. सो इट्स बीन लॉन्ग दैट आई हैव शॉप्ड एक्चुअली. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई एम एक्साइटेड. वेल, मैंने कल आपको बताया था कि मैंने कुछ लिया है एंड आई कुड नॉट शो यू गाइज, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. ओके, तो तुम ही गा लो ना. दोनों बच्चे अभी नहा जो के रेडी हुए हैं. एंड व्हाइल वी वर गेटिंग ड्रेस्ड, ये लोग गा रहे थे. एंड शी आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑफ दिस. सो दिस इज व्हाट मम्मा इज डूइंग. एंड दैट बेबी इज स्लीपी. जस्ट फिनिश्ड शूटिंग अ वीडियो. मैंने एक समर मेकअप वीडियो किया है. So this is the makeup look, guys. I'm sure aap sabko pasand aayega and you will get to know the tutorial how I did it. So go check out that also. And now I'll show you the location where I have done my shooting. Well, I've taken a bag also. This is a very lovely bag, but then I'm not going anywhere. Main ghar pe hi hoon just to, you know, shoot. And my location was this. डाइनिंग टेबल वॉज माई लोकेशन. कुछ इस तरह से हो जाता है जब भी हम लोग कुछ शूट करते हैं. समटाइम्स आज तो प्रॉपरली मैंने कवर लगा के रखा, अदरवाइज लिड भी ओपन छोड़ देती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. देयर इज माई ट्राईपॉड एंड यू कैन सी दिस. आई डिड माई शूटिंग व्हेन माई किड्स वर स्लीपिंग. इनफैक्ट मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला, ऐसे खुला छोड़ के मैं चली गई. बहुत सारा मैस ऐसे ही फैल जाता है. अब मुझे बच्चे उठने से पहले ये सब कुछ क्लीन करके रखना है. वेल, एक दो पिक्चर्स भी खिंचवा ली है मैंने इंस्टाग्राम के लिए. एंड सो नाउ इट्स टाइम. अब मेकअप लगाया है तो थोड़ी देर के लिए रहने दूंगी इसको. और अब मैं बनाने जा रही हूँ पहले चाय. नो, सबसे पहले मैं अपना गेटअप चेंज करूँगी, सब क्लीन करूँगी, अपनी जगह में रखूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय. बच्चे उठने से पहले ये सब कुछ करना है. सो लेट्स डू इट. अच्छा, मैं आपको ये ड्रेस दिखा देती हूँ. दिस इज एथनिकम फ्रॉक टाइप्स बोल सकते हैं. दिस इज द जैकेट दैट इज विद दिस ड्रेस. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रेस इज द कलर. सो ये ड्रेस का मुझे ना कलर बहुत पसंद आता है, इसीलिए आई चोज दिस ड्रेस. एंड आई टुक इट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. सो इट इज़ लाइक सुपर कम्फी एंड सुपर लूज, तो बहुत कम्फर्टेबल है. एंड मुझे बहुत पसंद है ऐसा, क्योंकि ये यू नो, अगर आप इसमें एक लेगिंग्स पहन लो तो दिस बिकम्स एथनिक वेयर. और अगर आप फ्रॉक जैसे भी यूज़ करना चाहते हो, यू कैन यूज़ इट एज लाइक एज फ्रॉक ऑल्सो. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द ड्रेस. दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन दिस. एंड वेल, मैंने आपको बताया था ना कि आई हैव टेकन समथिंग, बट मैं कल से दिखाना चाह रही हूँ, नहीं दिखा पा रही. लेट मी शो यू दिस इज इट. It's a very beautiful kurta that I've taken. इसका sleeves लगाना है and alter and all बाकी है. So it's a very beautiful kurta that I've taken. Especially the color combination. It's simple yet pretty. It's in a frock style, but if you see the color combination, it's really awesome. तो मुझे इसका color combination बहुत पसंद है and it's going to look good for any festive season and कोई पूजा के लिए. So I'll keep this for that.
अभी तो वैसे भी कहीं बाहर जाना नहीं है तो इसको पहनना नहीं है मुझे। और कुर्तीज एंड ऑल मोस्टली यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, जब मैं देवघर जाती हूँ तब ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे घर पे तो पैजामा टी शर्ट डाल लिया और बाहर जाओ तो फिर जीन या कुछ भी चलता है। सो इसको मैं रख दूँगी। अभी हो गई है शाम और अभी मैं पी रही हूँ अपना चाय सुबह का पराठा। सो चाय एंड पराठा का टेस्ट बहुत यमी लगता है ना, इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट जो मैं सुबह लेती हूँ। सब्जी थोड़ा बहुत चाहिए तो हो जाता है। हियर इज चीकू वांट्स टू से हाय। हाय चीकू। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर कौन जाता है? डाइनिंग टेबल के ऊपर खाते हैं ना हम लोग। क्या कर रही हो? खाना भी है, चलो उतर जाओ, गिर जाओगी तुम। हमको उतर के दिखाओ। अच्छा उतर के दिखाना है। हाँ, उतर के दिखाओ। मजा आएगा। नॉटी गर्ल। So me and Chiku have come for a walk today. Show me. Oh Chiku, you look cute. Oh, that's the plant. We need to be careful. Yes. Let's go. I got her out today after a long time seeing this. But मैंने इसको अभी allow नहीं किया इसमें खेलने के लिए because it's still quite risky. So this is as it is. वो बाद में कभी खेलेंगे। तो अब घर चलेंगे। Yes, Chiku. Chiku, no. Let's go back, Chiku. चलो ना पापा और डुगू दोनों को लेके आएंगे। This is what happens जब हम लोग वापस जाते हैं। See crying baby. नहीं रोते चीकू। देखो गाइस चीकू को ऊपर आने का मन नहीं था इसीलिए वो गुस्सा में अभी स्लीपर खोल ही नहीं रही है, स्लीपर पहन के बैठ गया। मैं क्या करूँ बताओ। एंड दिस अदर बेबी इफ यू कैन सी ये गोदी में आके बैठ गया। आते ही इज लाइक टाइकल टाइकल, उसको भी जाने का मन था एंड आई वॉज फीलिंग सैड फॉर हिम। मुझे मन था कि मैं डुगू को लेके जाऊं बट सिंस चीकू इतना रोने लगी ना तो अगर मैं इसको लेके जाती तो यू नो ये और रोने लगती, इसीलिए मैं लेके नहीं गई। बट इट्स चैड फॉर दिस बेबी, ही कुडंट गो आउट, ही वाज लाइक क्राइंग टाइकल टाइकल टाइकल। नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम लोग टाइकल, ओके डुगू। डुगू सोफा पे बैठ के टीवी देख रहा है। Look at this, डुगू ने साइड टेबल का क्या किया, साइड टेबल को कर दिया साइड एंड सारे डाइपर्स फेंक दिए एंड ये चला वो बदमाश। डुगू व्हाट डिड यू डू? ये देखो साइड टेबल को साइड कर दिया उसने और चल दिया वो। डुगू कम बैक, इसको ठीक करो। इज व्हाट आई हैव मेड, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी इसलिए मैंने ये बना लिया दही पूरी एंड विल ईट दिस नाउ। डिनर वगैरह हो गया है, स्किन केयर रूटीन हो गया है एंड ऑल्सो माई क्लीनिंग रूटीन इज डन। किचन इज ऑल्सो क्लीन एंड दिस बेबी इज फॉलोइंग मी बिकॉज इसको रात में ना काफ़ी देर तक नींद नहीं आती रहती है, किसी दिन में काफ़ी सो लेती है ये। पेरेंट्स डुगू को भी नींद आ रही है बट इसके चक्कर में वो भी बहुत डिले करता है एंड हमें लाइक बहुत लेट हो जाता है सोते सोते एंड सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, मैं तो इरीटेट हो जाती हूँ रात में बिकॉज ये लोग जल्दी सोते ही नहीं है। सो अभी से ट्राई करना है सो दैट ये लोग जल्दी सो जाए। राइट नाउ इट्स 11 o'clock, इट्स गोइंग टू बी 11 कुछ ही मिनट्स में। तो अब मैं जा रही हूँ बेड पे, सारा काम अपना ख़त्म करके। यूजुअली 10:30 तक चले जाते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया बट नाउ इट्स बेड टाइम। सो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, फिर मिलती हूँ आप सबसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।